सॉरी लेक्चर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। रिगार्डिंग शुरू की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज हाउ इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स डिटेरियोरेट द क्वालिटी ऑफ फूड पार्ट 2। फर्स्ट वी रिपीट जस्ट फॉर 5 मिनट्स आवर यस्टरडे लेक्चर सो दैट दो पीपल हु डोंट जॉइन इन द मीटिंग यस्टरडे दे विल लर्न समथिंग। Pests are the organism that compete with man for food, shelter, and warmth. They hold an important position. They hold an important position in the production of safe food. They are capable of spoiling and damaging the raw material or processed food. Hence, working on the formula prevention is better than cure. के यानी जो इंसेक्ट पेस्ट रोडेंट्स वगैरह जो डिटेरियेशन या कंटेमिनेशन कॉज करते हैं तो उन्हें बजाय से के जो उसका क्योर किया जाए तो ये बेहतर है कि प्रिवेंशन किया जाए। तो इसके लिए एफर्ट्स की जाती हैं टू इंश्योर द फूड सेफ्टी। फॉर दिस देर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेस्ट के उनको कंट्रोल करने के लिए उनकी नेचर उनके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह किस जगह होते हैं क्या खाते हैं किस तरह ये कंटेमिनेशन कॉज करते हैं तो भी सारी चीजों का इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए आप लोगों टू इफेक्टिवली कंट्रोल दीज पेस्ट इन द फूड इंडस्ट्री। दे आर आल्सो कैरियर ऑफ सेवरल डिजीजेस बिकॉज द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म दे कैरी इन देयर इंटेस्टाइनल कैनाल एज वेल एज देयर ऑन द बॉडी। सेवरल रिस्क पोजेस बाय दीज पेस्ट। नंबर वन है कंटेमिनेट वर्क सर्फेस एंड फूड सफ बाय रोडेंट ड्रॉपिंग्स। नंबर टू है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नंबर थ्री है डैमेज टू प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग। नंबर फोर है स्प्रेड डिजीजेस। सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीजेस दे स्प्रेड डैमेज द बिल्डिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ रेपुटेशन प्रोसिक्यूशन एंड क्लोजर ऑफ द प्लांट। तो डिफरेंट टाइप्स के जो इंसेक्ट्स हैं उसमें हाउस फ्लाई जो कि कॉमन हाउस फ्लाई है वो भी यूज होती है। इसका यानी वो तो इसकी हैबिट्स वगैरह यानी काफ़ी यानी वो गंदी जगह पे वो प्रोग्रेस करती है या माज गए उनकी काफ़ी गंदी जगह होती हैं। तो फिर ये है कि जो डिफरेंट टाइप के जो रिफ्यूजेज और एक्सक्रीटा वगैरह हैं या डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है तो उस पर जब ये उनको डिकम्पोजिंग जब करती हैं तो फिर वो उसके साथ जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यूरिन फीसिस वगैरह से तो वो ट्रांसमिट करती हैं टूवर्ड्स द फूड। तो इसके अलावा जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह होते हैं उसे स्प्रेड करती हैं ताकि जो फूड है वो लिक्विड फॉर्म में इंगल्फ कर सकें। इसके अलावा जो इसके बॉडी पार्ट्स पे यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपके होते हैं या जो इसके जो इंटरनल एलिमेंट्री कनाल है वहाँ जो होते हैं तो फिर ये डिफरेंट टाइप की जो इन्फेक्शन है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इन जो डिफरेंट टाइप की जो इन्फेक्शन है वो उसमें आ जाता है साल्मोनेलोसिस कॉलरा टाइफाइड एंड एमिबियस। तो डिफरेंट टाइप्स की जो डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल हैं जो कि ज़रूरी हैं कि हाउ टू इफेक्टिवली यानी कि हम किस तरह उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं ये हाउस फ्लाइज को। तो इसके लिए या तो फिर प्रॉपर जो इंसेक्टिसाइड्स है वो यूज़ किया जाए जो उसे प्रॉपरली किल कर सके। इसके अलावा जो प्रेमिसेस वगैरह हैं उसे साफ सुथरा रखा जाए। इसके अलावा जो गैस नेट्स हैं वो जो हैं दरवाजे और खिड़कियों वहाँ यूज़ किया जाए। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट फ्लोरिसेंट ट्यूब सेक्स द फ्लाइज तो इस तरह की जो डिवाइसेस वगैरह हैं वो यूज़ की जाएँ ताकि जो इफेक्टिवली हम उन्हें रिमूव कर सकें। इसके अलावा काक्रोचेज और आंट्स वगैरह भी ये भी एक इम्पोर्टेंट वैक्टर्स फॉर पैथोजेनिक ट्रांसमिशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इनकी जो नेचर होती है वो नॉक्टर्नल होती है तो ये डिफरेंट प्रेमिसेस कैंटीन्स और डिवेलिंग्स वगैरह में ये इस्टेब्लिश होते हैं। इसके अलावा जो काक्रोचेज वगैरह हैं ये फूड को डायरेक्टली यानी हैज बीन have not directly been implicated in the transmission of infectious diseases. So several pathogens microorganisms they carry or produce several diseases. So cockroaches can be controlled by keeping the premises clean by clean they can be killed by use of suitable insecticides. Next insects such as so let's ye tha hamara kal ka topic. तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक हो इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स डिटेरियोरेट द क्वालिटी ऑफ फूड। तो ये स्लाइड लास्ट पढ़ी थी तो इसी के रिलेट से यानी नेक्स्ट स्टार्ट होता है। तो इसलिए मॉस बीटल्स वीवल्स एंड बोरर्स
इंसेक्ट्स सच एज मॉस बीटल्स वीवल्स एंड बोरर्स आर इम्पोर्टेंट पेस्ट ऑफ स्टोर्ड फूड ग्रेन्स। तो ये इम्पोर्टेंट स्टोर्ड फूड ग्रेन्स के इम्पोर्टेंट पेस्ट हैं। तो दीज आर सेवरल टाइप्स विच अटैक डिफरेंट फूड्स। तो ये इनकी जो यानी कि मसलन ये मॉस बीटल्स और जो बोरर वगैरह बो रहा हूँ तो ये सेवरल टाइप्स होती हैं, यानी ये सिंगल नहीं है। तो ये फिर डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स वगैरह हैं या जो स्टोरेज ग्रेन वगैरह हैं उन पे ये एक्ट करते हैं, यानी जो स्टोर्ड कमोडिटीज वगैरह हैं। तो इन द ट्रॉपिक्स बीटल्स एंड मॉस आर द मेन इंसेक्ट पेस्ट ऑफ द स्टोर्ड कंडीशंस। तो नेक्स्ट है फूड कमोडिटीज कैन बी हैवीली कंटेमिनेटेड। फूड कमोडिटीज कैन बी हैवीली कंटेमिनेटेड विद दीज इंसेक्ट्स ड्यूरिंग स्टोरेज। तो जो ये इंसेक्ट्स हैं उनके साथ जो फूड कमोडिटीज जो स्टोर की होती हैं तो वो हैवीली कंटेमिनेटेड हो जाती हैं ये इंसेक्ट पेस्ट वगैरह से। जो क्योंकि जो डिफरेंट टाइप के जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये कैरी करती हैं इंटेस्टाइन के नाल में और जो जिसम पे चिपके होते हैं या इनके बाल वगैरह जो हेयर्स वगैरह होते हैं या और जो फॉरन मैटर्स वगैरह जो, तो ये डिफरेंट तो जो स्टोरेज के दौरान जो है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों लॉसेज होते हैं। दीज इंसेक्ट्स दीज पेस्ट नॉट ओनली डिप्लीट द कमोडिटी ऑफ सम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बट प्रोड्यूस एंड एक्सक्रीट कंपाउंड विच मे बी टॉक्सिक। तो ये पेस्ट ना सिर्फ ये कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो स्टोरेज यानी जो सीरियल वगैरह या डिफरेंट जो स्टोर की हुई है वीट सॉर्गम ग्राउंड नट्स वगैरह या पल्सेस वगैरह जो भी, तो ना सिर्फ उनके जो न्यूट्रिशनल लॉसेज होते हैं वहाँ जो फूड की यानी क्वालिटेटिवली यानी लॉसेज हैं, तो इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स के जो टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करती हैं एक्सक्रीटा वगैरह से अदर टाइप्स ऑफ फॉर्म। तो फिर फॉर एग्जाम्पल फ्लोर बीटल्स मेंबर्स ऑफ द जीनस ट्राइबेल्सियम ग्रो अंडर फेवरेबल कंडीशंस ऑन स्टोर्ड वीट मेज मिल्ट सीरियल प्रोडक्ट्स फ्लोर। तो जो ये फ्लोर बीटल्स हैं ये इम्पोर्टेंट हैं मेंबर ऑफ फैमिली ट्राइबेलिज्म। तो ये डिफरेंट तो ये अंडर ये ग्रो करती हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस और स्टोर वीट वीट मेज एंड मिल्ट एंड सीरियल्स। तो दीज इंसेक्ट्स सिक्रीट सेवरल ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड पैरा बेंजोक्विनोन्स। तो ये कंपाउंड जो सिक्रीट ये इंसेक्ट जो हैं ये सिक्रीट करते हैं कोई कंपाउंड ऑर्थो सब्सटीट्यूट पैरा बेंजोक्विनोन्स। तो ये जो फूड प्रोडक्ट हैं जहाँ ये ग्रो कर रहे हैं तो वो फिर उन्हें इफेक्ट करती हैं, तो यानी उनकी क्वालिटी को और क्वांटिटी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव लॉसेज होते हैं। इन्फेस्टेड द फूड तो फूड को कंटेमिनेट कर देती हैं। दीज कंपाउंड्स हैव अफिनिटी फॉर प्रोटीन एंड रिएक्ट रेडिली विद देम। तो जो ये कंपाउंड ये सिक्रीट करते हैं जो ये इंसेक्ट, तो ये अफिनिटी रखते हैं टूवर्ड्स द प्रोटीन्स एंड रिएक्ट रेडिली विद देम। तो फिर उनके साथ फॉरन रिएक्शन करते हैं। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइसिन एन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो जो सीरियल में हमने सीरियल के कोर्स में पढ़ा था जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है लाइसिन, उसकी जो डेफिशिएंसी काज करते हैं जी ये जो इंसेक्ट की जो डिफरेंट कंपाउंड्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं पैराबेंजिक्विनोन। तो इसके अलावा दी थायामिन लेवल ऑफ द इन्फेस्टेड क्लोर आल्सो डिक्रीज। तो जो थायामिन है जो कि और एक इम्पोर्टेंट है, तो ये विटामिन बी थायामिन, तो यानी कि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड, तो ये इसकी भी जो क्वांटिटी है ये भी डेफिनेटली कम होगी। दीज इंसेक्ट्स हैव पुट पेव द वे फॉर द ग्रोथ फूड कमोडिटीज। दीज इंसेक्ट्स पेव द वे फॉर द ग्रोथ ऑफ फंजाई इन द प्रोडक्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल है स्पर्जिलस रेस्ट्रिक्टस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद वीवर्स एंड ग्रोज आफ्टर एन इन्फेस्टेशन बाय दीज इंसेक्ट्स इन वीट। तो जो डिफरेंट टाइप के जो ये इंसेक्ट्स वीवर्स वगैरह हैं जब ये फूड को इन्फेस्टेड कर देते हैं तो फिर ये फेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं फंगस को जो इसका नाम है स्पर्जिलस रेस्ट्रिक्टस। तो ये वीट में यानी प्रोड्यूस होती है। मोर ओवर सम ऑफ दीज इंसेक्ट्स आर आल्सो नोन टू द कैरियर्स ऑफ ए फ्यू पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इसके अलावा जो ये जो इन्फेस्टेशन क्रिएट होती है तो इसमें डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की उसमें सालमोनेला स्पीशीज और जो दूसरी स्ट्रेप्टोकोकस है, तो ये विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम मेजर फूड बॉर्न बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये डिफरेंट टाइप की फूड बॉर्न इलनेस क्रिएट करती हैं ड्यू टू द इन्फेस्टेशन। नेक्स्ट है मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ ग्रेन्स। तो डिफरेंट टाइप्स के जो
इंसेक्ट पेस्ट वगैरह हैं तो वो अफेक्ट करते हैं, क्वालिटी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लॉसेस होते हैं इन द स्टोर ग्रेन्स। तो ये कौन कौन से पेस्ट वगैरह हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, यानी ये हमने ये भी पढ़ा कि ये जो डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट पेस्ट हैं तो इनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट है, तो इस लिहाज से वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे ये रिएक्ट करते हैं, उन्हें खाना पसंद करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स। तो नंबर वन है वीवल्स। वीवल्स में यानी ये इफेक्ट करती हैं मेज, सॉर्गम, व्हीट और राइस को। नेक्स्ट है लेसर ग्रेन बोरर, तो ये इफेक्ट करते हैं राइस को, व्हीट को, मेज को, कसावा को। और जो खपारा बीटल है, इसे यानी उर्दू में पंजाबी में खपरा बीटल भी कहते हैं, तो ये इफेक्ट करती है मेज, राइस, व्हीट, पल्सेस, सॉर्गम, राइस और आयल शीट क्रॉप जो होती हैं, आयल शीट क्रॉप वगैरह उनको। इसके अलावा जो डिफरेंट हैं सार टूथ ग्रेन्स बीटल्स, तो ये इफेक्ट करती हैं मेज को, व्हीट को, राइस को, ऑयल सीड्स को और ड्राइड फ्रूट्स को। तो नेक्स्ट है फ्लोर बीटल्स। तो फ्लोर बीटल जो हैं ये इनकी पसंदीदा डिशेज हैं मेज, व्हीट, मिल्क, सीरियल प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, ग्राउंड नट्स, कोकोवा। सॉरी। नेक्स्ट है पल्स बीटल्स। तो इसमें ये जो जो प्रोडक्ट इन्फेस्टेड करती हैं या कंटेमिनेट करती हैं वो हैं कॉफ पीस, ग्राम बीन्स, ग्राउंड नट्स। नेक्स्ट है हाइड बीटल्स। तो जो हाइड बीटल्स हैं ये ड्राइड फिश को खाना पसंद करती हैं। नेक्स्ट है टोबैको बीटल्स, तो इसमें कोकोवा भी आ जाता है और कसावा भी आ जाता है। नेक्स्ट है फ्लैट ग्रेन बीटल्स, तो ये मेज पे, राइस पे, ग्राउंड नट्स पे और कसावा पे इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है अंगोमिस ग्रेन मॉथ, तो ये मेज, व्हीट, पैडी और सोरगम को अफेक्ट करते हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों। तो नेक्स्ट है ट्रॉपिकल वेयर हाउस मॉथ, तो ये ग्राउंड नट्स, राइस, मेज, व्हीट, ककोवा, सरगम, सोरगम, मे, तो ये इनको खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है इंडियन मील मॉथ, तो ये मेज, ग्राउंड नट्स, ड्राई फ्रूट्स वाली जगह जहाँ स्टोर की होती है वहाँ होते हैं। नेक्स्ट है राइस मॉथ, तो ये मेज, व्हीट, राइस, सॉर्गम, ग्राउंड नट्स। ये थे डिफरेंट जो इंसेक्ट्स पेस्ट हैं उनकी एग्जाम्पल्स थी, और जो 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 प्रोडक्ट्स को अफेक्ट करते हैं वो उनके साथ भी टिपिकल एग्जाम्पल्स थी। तो इसका ओवरऑल जो कंट्रोल है इंसेक्ट्स का वो किस तरह हम इंसेक्ट पेस्ट का कर सकते हैं। फूड इन्फेस्टेशन बाय इंसेक्ट्स कैन बी कंसिडरेबली रिड्यूस्ड आर इवन प्रिवेंटेड बाय फिटिंग स्क्रीन्स ऑन डोर्स एंड विंडोज। तो ये डिफरेंट टाइप की जो स्क्रीन होती हैं, यानी मसलन एक दरवाज़ा है उसके बाहर जो स्क्रीन, यानी जिसे उर्दू में जाली कहते हैं, तो डिफरेंट टाइप की जो स्क्रीन होती हैं वो विंडोज या डोर्स के पीछे लगा देते हैं। तो उससे ये होता है कि जो इंसेक्ट पेस्ट वगैरह है वो, यानी हवा तो आती है पर जो इंसेक्ट पेस्ट वगैरह वो उधर अंदर दाखिल नहीं होते। इसके अलावा जो प्रेमिस हैं जो फूड इंडस्ट्री में या जो प्रोसेसिंग एरिया है वहाँ जो प्रेमिस वगैरह हैं तो उन्हें प्रॉपरली क्लीन एंड टाइडी रखा जाए। इसके अलावा फ्यूमिगेशन ऑफ द वेयर हाउसेज विद सूटेबल इंसेक्टिसाइड्स कैन प्रूव वेरी हेल्पफुल। तो जो फ्यूमिगेशन की जाती है वेयर हाउसेज की, तो वो प्रॉपर जो इंसेक्टिसाइड है उसे यूज करके फ्यूमिगेशन की जाए तो ये भी हेल्पफुल है टू रिड्यूस द लेवल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। तो इसके अलावा डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो जैसे कि अटैक ऑयल एंड जेपिट आयल, इसके मैन्युफैक्चरर हैं आईसीआई पाकिस्तान लिमिटेड, तो दे कंटेन साइपर मैथ्रीन एंड टेट्रा मैथ्रीन। तो ये एक्टिव कंपाउंड्स हैं विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट द मॉस्किटोज, कॉकरोचेज। तो ये डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उसके रिलेटेड, यानी उसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। इंसेक्टिसाइड्स कैन ऑल्सो भी मिक्स विद द ग्रेन्स आर अप्लाइड ऑन द बैग्स। तो इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड है उसे हम ग्रेन्स के साथ मिक्स भी कर सकते हैं ताकि जो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं वो कम से कम हो सकें। इसके अलावा जो बैग वगैरह हैं जिसमें स्टोर किए होते हैं ये ग्रेन्स वगैरह, तो उस पे भी यानी कोटिंग कर सकते हैं, यानी उसकी तह लगा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द रोडेंट्स एंड हाउ दे डिटेरियोरेट द क्वालिटी ऑफ द फूड। सम रोडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग, डैमेजिंग एंड इवन डिस्ट्रॉइंग द फूड इन वेयर हाउसेज एंड फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो डिफरेंट
एरियाज में, यानी लाइक फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स और वेयर हाउसेज जहाँ खुराक को पैक करके स्टोर किया जाता है, वेयर हाउसेज, तो वहाँ जो ये रोडेंट्स वगैरह हैं वो अटैक करते हैं खुराक पे, कार्टून्स पे, यानी डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स वगैरह स्टोर की हुई वहाँ, तो फिर ये स्पॉइल करते हैं प्रोडक्ट्स को, डैमेज करते हैं, और इवन के डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं खुराक कर, बिल्कुल यानी तबाह कर देते हैं खुराक को। थ्री स्पीशीज ऑफ रोडेंट्स हैविंग वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, तो तीन किस्म के जो रोडेंट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं, आर ऑफ सिग्निफिकेंस इन फूड प्रोसेसिंग प्लांट। द नंबर वन द माउस, इसे साइंटिफिकली कहते हैं मस्कलस। सेकंड है जो रूफ रैट है, दीज आर कॉमनली फाउंड इन टाउन्स एंड विलेज, तो ये कॉमनली जो टाउन विलेज में जो चूहा पाया जाता है उसे रूफ रैट कहते हैं। दी थर्ड स्पीशीज सीवर रैट आर द ब्राउन रैट, इसे यानी जो है इसका साइंटिफिक नेम है वो रेटस नॉरवेजिकस है। इट इज ए लार्जर एंड मोर अग्रेसिव देन ब्लैक रैट एंड इज ओनली फाउंड इन पॉट्स एंड टू लार्ज आइलैंड टाउन। तो ये जो सीवर रैट्स है इसकी जो नेचर है वो अग्रेसिव है, तो ये डिफरेंट पॉट्स या टाउन वगैरह में, ये आइलैंड्स के टाउन में ये पाया जाता है, और इसकी जो नेचर है वो एज कम्पेयर टू द ब्लैक रैट्स वो अग्रेसिव है। दे कॉज डैमेज द बिल्डिंग, तो ये जो बिल्डिंग वगैरह को ये डैमेज करते हैं ये इस तरह के जो रैट्स होते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक वायरिंग यानी डिफरेंट ऐसी जो वायरिंग वगैरह की होती है जो इंडस्ट्री में, उसे भी डैमेज करते हैं, खा जाते हैं। इसके अलावा एंड प्लम्बिंग बाय देयर पावरफुल जॉज एंड शार्प इंसाइजर टीथ, तो जो पावरफुल जॉज और इसके जो टीथ वगैरह होते हैं उसकी मदद से ये जो बिल्डिंग वगैरह को डैमेज करते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर वगैरह उसे खा जाते हैं। इसके अलावा प्लम्बिंग, तो यानी ये गड़े वगैरह खोद लेते हैं, तो बाय द देयर पावरफुल जॉज एंड शार्प इंसाइजर टीथ। तो नेक्स्ट है दी रोडेंट्स ईट, दी रोडेंट्स ईट द सेम फूड एज द ह्यूमन बींग्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज टू द क्वान्टिटी एंड क्वालिटी। तो जो रोडेंट्स हैं वो लाइक ह्यूमन बींग्स जो खुराक यानी ह्यूमन बींग्स खाते हैं वो उसी पे ये अटैक करते हैं ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज टू द क्वान्टिटी एंड क्वालिटी। तो दोनों तरह के लॉसेज जो होते हैं वो जो ग्रेन्स वगैरह हैं या जो फूड प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वहाँ दोनों तरह के लॉसेज होते हैं, क्वालिटी वाइज भी और क्वान्टिटी वाइज। इट इज एस्टिमेटेड दैट द रैट्स डैमेज मोर देन 3 to 5% सीरियल क्रॉप्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये एस्टिमेट लगाया गया है कि जो रैट्स जो खुराक को डैमेज करते हैं ये सीरियल क्रॉप्स को 3 to 5% है डैमेज, तो इन डेवलपिंग नेशंस दे कंज्यूम द फूड एंड इन्फ्लिक्टेड विद देयर एक्सक्रीटा एंड हेयर्स। तो ये जो रोडेंट्स हैं जो ये खुराक को इन्फेक्ट कैसे करते हैं, बाय देयर ड्रूपिंग एक्सक्रीटा और जो इसके बाल वगैरह होते हैं वहाँ, यानी ये फेंक देते हैं जिससे कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। रैट्स हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल इंडेमिक आउटब्रेक्स, तो डिफरेंट टाइप के जो डिजीजेस कॉजेज वगैरह होते हैं इंडेमिक आउटब्रेक्स उस, तो नंबर वन है लाइक प्लेग, इट इज कॉज बाय पेस्टुरुला पेस्टाइटिस पेस्टिस, और ये इसकी जो अलामत होती हैं वो बुखार सरदर्द वगैरह होती हैं। ड्यू टू सम टाइप्स रैट्स एंड माइस सफर फ्रॉम इन्फेक्शन ड्यू टू सम टाइप्स ऑफ साल्मोनेला विच आल्सो इन्फेक्ट मैन एंड कॉज टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड। तो जो रैट्स डिफरेंट और माइस वगैरह जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की जो इन्फेक्शन जो होती हैं उनमें, तो उनकी वजह से जो साल्मोनेला स्पीशीज हैं वो ट्रांसमिट होती हैं टूवर्ड्स द फूड, तो फिर जो ह्यूमन वगैरह जब उसे खा लेंगे तो वो डिफरेंट टाइप की कंटेमिनेशन पास करेंगे, तो उसमें जो बीमारियां क्रिएट होती हैं वो टाइफाइड और पैराथाइफाइड है। दे आल्सो बिकम सिम्टमलेस कैरियर्स एंड एक्सक्रीटर्स, तो ये सिम्टमलेस कैरियर्स भी हैं और एक्सक्रीटर्स भी हैं जो ये रैट्स हैं। रैट्स आर आल्सो नोन टू कैरी सच ए हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एस क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समटाइम्स ऑफ बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। तो जो बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग होती है जो कॉमन है इन ह्यूमन बीइंग, तो इसमें यानी ये क्लॉस्ट्रिडियम जो बाचुलाइनम होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड पॉइजनिंग का। तो ये जो रैट्स हैं ये इसके कैरियर हैं इस तरह की जो, तो इसके अलावा जो है दे आर ड्रूपिंग आर ए सोर्स ऑफ डेंजर टू द फूड दे स्वाइल एंड कॉन्स्टिट्यूट द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर। तो जो इनकी ड्रोपिंग वगैरह जो इनके वजह से कंटेमिनेशन पास होती है, तो जो फूड होती है
वो इनडेंजर है, तो फिर जो अगर वो खुराक ये कस्टमर या कंज्यूमर खाएगा तो उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह। नेक्स्ट है फूड आर वाटर कंटेमिनेटेड विद रेड यूरिन, तो डिफरेंट जो नेक्स्ट लास्ट है एपिडेमिक जॉन्डिस। तो इसमें है फूड आर वाटर कंटेमिनेटेड विद रेड यूरिन हैज बीन इम्प्लिकेटेड इन ए डिजीज कॉल्ड एपिडेमिक जॉन्डिस। तो जो खुराक या जो पानी है जो ह्यूमर यूरिन के साथ अगर कंटेमिनेट हो जाएगा तो फिर वो जो डिजीज कॉज करेगा वो एपिडेमिक जॉन्डिस है। इसे व्हील डिजीज भी कहते हैं। इट कॉज बाय लेप्टोस्पायरा एंटेरोगंस। तो जो जो ये कॉज करते हैं वो ऑर्गेनिज्म, उसका नाम है लेप्टोस्पायरा एंटेरोगंस। द डिजीज रिजेंबल्स विद बाय येलो फीवर इन सीरियसनेस एंड मोर्टेलिटी। तो एक येलो फीवर होता है जो कि ह्यूमन बींग में होता है, तो ये डिजीज जो इसकी जो सिम्टम्स हैं वो येलो फीवर के साथ रिजेंबल करती हैं। किस वजह से रिजेंबल करती है? इन सीरियसनेस एंड मोर्टेलिटी रेट। इट इज करेक्टराइज बाय ए फीवर विद इनिशियल रिगर स्किन रैशेस एंड पैची जॉन्डिस इन लार्ज लिम्फ ग्लैंड्स एंड हेमरेजिस रिकवरी फ्रॉम द इलनेस रिजल्ट इन इम्यूनिटी। तो अगर इम्यूनिटी वगैरह स्ट्रांग होगी तो ये डिफरेंट जो सिम्टम या कंडीशन बताई हैं तो इससे वो जल्दी रिकवरी हो जाएगी। इसके अलावा रैट्स एंड माइस माइस आल्सो कैरी सेवरल एक्टो पैरासाइट्स ऑन देयर बॉडी। तो डिफरेंट टाइप के जो एक्टो पैरासाइट्स होते हैं वो बॉडी पे मौजूद होते हैं जो रैट्स वगैरह की। तो ये जो कैन इंट्रोड्यूस देम इनटू द फूड स्टफ थ्रू देयर फॉलिंग। तो जो जब ये बाल वगैरह वहाँ खुराक में गिर देते हैं तो फिर ये खुराक में शामिल हो जाते हैं अच्छी तरह। द फूड थस बिकम्स ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ डेंजर टू पर्सन हैंडलिंग आर ईटिंग। तो ये दोनों तरह के जो हैंडलिंग जो पर्सन कर रहा है खुराक की उसके लिए भी डेंजरस है। इसके अलावा जो उस खुराक को वो यूज करेगा कोई भी जो भी बंदा तो उसके लिए भी डेंजरस, यानी दोनों दोनों लोगों के लिए ये डेंजरस है। नेक्स्ट है हाउ टू कंट्रोल द रोडेंट्स रैट्स या माउस माइस वगैरह। तो रैट्स एंड माउस कैन बी कंट्रोल बाय प्रोटेक्टिंग ऑल फूड स्टोर्स एंड कीपिंग आर रिफ्यूज इन रेट प्रूफ रिस्पेक्ट। तो जो रैट्स और माउस वगैरह हैं उन्हें हम कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो जो हमारे जो फूड स्टोर हैं उन्हें कैसे प्रोटेक्शन की जा सकती है? तो इन वेयर हाउसेज एंड डिवेलिंग द यूज ऑफ रोडेंटिसाइड सच एज वेराफायरिंग इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग रैट इन्फेस्टेशन। तो जो रोडेंटिसाइड्स हैं जैसा कि एक नाम है वेराफेरिन, तो ये एक इम्पोर्टेंट रोडेंटिसाइड है, तो ये इफेक्टिवली रिड्यूस करती है जो रैट की इन्फेस्टेशन है उसको। इसके नंबर सेकंड है प्राइमाटॉक्स रोडेंट बेट्स। तो ये एक किस्म की बेट्स होती हैं डेट कंटेन प्रोपक्सर। तो ये एक कंपाउंड है प्रोपक्सर, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है और इफेक्टिव अगेंस्ट रोडेंट्स। तो ये इस तरह की जो बेट्स में जो इस तरह के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो भी इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं रोडेंट्स को। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के ट्रैप्स होते हैं। ट्रैप्स कैन बी यूज इन कैटरिंग इंस्टीट्यूट्स एंड हाउसेज। तो जो ये ट्रैप्स वगैरह हैं ये डिफरेंट कैटरिंग इंडस्ट्री में और जो हाउसेज वगैरह में हैं उन वहाँ यूज होते हैं टू ट्रैप द रैट्स। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक मशीन। तो डिफरेंट टाइप्स की जो अल्ट्रासोनिक मशीन्स हैं वो भी यूज की जाती हैं। अल्ट्रासोनिक मशीन का जो फंक्शन है अल्ट्रासोनिक मशीन विच एमिट हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू स्केयर रैट्स आउट ऑफ देयर सेंसेस। निशात अफजल आपको क्या मसला है? इसके अलावा जो यानी कि ये हम इस पे टॉपिक पे थे अल्ट्रासोनिक मशीन्स। तो अल्ट्रासोनिक मशीन्स विच एमिट हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव दैट स्केयर रैट्स आउट ऑफ देयर सेंसेस एंड आल्सो कॉज परमानेंट स्टरिलाइजेशन इन देम। तो ये जो अल्ट्रासोनिक मशीन्स हैं इसकी जो साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, तो जिसकी वजह से जो रैट्स होते हैं वो डर जाते हैं। और इसके अलावा
स्केयर रैट्स आउट ऑफ देयर सेंसेस, तो वो जो उनके सेंसेस वगैरह हैं वो यानी सेंसलेस हो जाते हैं। इसके अलावा जो इट आल्सो कॉज परमानेंट स्टरलाइजेशन इन देम, तो जो परमानेंट स्टरलाइजेशन ऑफ रैट्स की यानी इस फिनोमेना के साथ हो जाती है अल्ट्रासाउंड मशीन की मदद से। दीज हैव गेन्ड सक्सेस इन द इरेडिकेशन ऑफ द वाइड स्प्रेड पेस्ट, तो ये एक इम्पोर्टेंट सक्सेस है अगेंस्ट द वाइड स्प्रेड पेस्ट, तो यानी उसकी रेडिकेशन के लिए ये एक इम्पोर्टेंट सक्सेस है। नॉन पॉइजनस माउस एंड रैट कैचिंग ग्लूज ऑफ ग्रेट एडहेसिव एबिलिटी एफिकेसी एंड इजी टू यूज अवेलेबल, तो जो नॉन पॉइजनिंग पॉइजनस माउस हैं या जो रैट कैचिंग ग्लूज वगैरह भी यूज कर रहे हैं इसके लिए, तो दीज हैव एडहेसिव एबिलिटी। तो जो ये ग्लूज वगैरह हम यूज करते हैं इसकी जो एबिलिटी एडिसिवनेस है वो बहुत ज्यादा है। दीज कैन बी यूज एनी वेयर विदाउट एनी डेंजर, तो इसे हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये डेंजरस नहीं है हेल्थ के रिलेटेड, तो इसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। दीज आर नॉन टॉक्सिक टू एनिमल्स एंड मैन, तो ये जो ग्लूज वगैरह हैं या जो ये एडिसिव मटीरियल हैं ये टॉक्सिक नहीं है एनिमल्स के लिए और इंसानों के लिए, एंड पोजेज नो अडर्ट एंड कंटेन नो पेस्टिसाइड, तो इनकी ना ही किसी किस्म की स्मेल है बू है, उसके अलावा ये जो किसी किस्म का पेस्टिसाइड इसमें शामिल नहीं है। दिस ग्लू मस्ट बी स्प्रेड ऑन अ पीस ऑफ ए बोर्ड और कार्डबोर्ड एंड पुट इन द एरिया वेयर द माइस रैट्स एंड अदर पेस्ट, तो ये जो ग्लू है उसे कैसे यूज करना है, उसे स्प्रेड करना है एक बोर्ड के पीस पे या जो कार्डबोर्ड वगैरह है उस पे यूज कर सकते हैं, या उन एरिया में हम वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कि जहाँ जो माइस रैट्स और इस तरह के जो डिफरेंट पेस्ट है उनकी आमदोरफ्त ज्यादा है। एज सून एज द पेस्ट स्टेप्स ऑन द ग्लू, तो जैसे ही जो पेस्ट है या जो रोडेंट वगैरह है वो उस ग्लू के ऊपर अपना पाँव रखेगा, इट गेट्स स्टक, तो वो वहाँ साकन हो जाएगा एंड इज अनेबल टू मूव फर्दर, तो यानी वो उसकी फर्दर वो मूवमेंट कोई भी वो जारी नहीं रख सकेगा। द ग्लूज आर ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रैपिंग इंसेक्ट्स एंड लिजर्ड्स, तो इस तरह के जो ग्लूज हैं वो इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं टू कंट्रोल इंसेक्ट्स एंड लिजर्ड्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो रिपीट करता हूँ, समरी जो आज के टॉपिक की है वो ये है कि जो इंसेक्ट पेस्ट वगैरह हैं तो इसमें आज जो हमने पढ़ा था वो ये डिफरेंट जो स्टोर ग्रेन वगैरह की हैं, तो वो जो इंसेक्ट्स हैं वो डिफरेंट ऑर्थो सब्सिट्यूट पैराबेंजोक्विनोन्स वगैरह ये कंपाउंड वगैरह जो इन्फेस्टेड फूड प्रोडक्ट में शामिल करते हैं, तो फिर जो प्रोटीन वगैरह जो फूड प्रोडक्ट्स में मौजूद होती हैं वो उनको वो रेडिली रिएक्ट विद देम तो मेक अनअवेलेबल ऑफ लाइक लाइसिन एंड थायामीन। तो इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के फंगस वगैरह प्रोड्यूस होते हैं विद ऑन द वीट ड्यू टू द इन्फेस्टेशन बाय क्रिएटिंग बाय द इंसेक्ट्स, तो इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला लाइक और स्ट्रेप्टोकोकस, तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड बॉर्न इन्फेक्शन, तो इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, जो डोर्स विंडोज वगैरह हैं वहाँ स्क्रीन फिट की जाए, इसके अलावा जो प्रेमिसेस वगैरह हैं वो क्लीन टाइडी होनी चाहिए, इसके अलावा जो वेयर हाउसेज है वेयर हाउसेज हैं उनकी प्रॉपर फ्यूमिगेशन हो, और एटेक ऑयल ऑन जर्पेटाइल जो जिनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट साइपरमेथ्रिन और टेट्रामेथ्रिन वगैरह होती हैं, तो ये इफेक्टिवली यूज अगेंस्ट मॉस्किटोज एंड कॉकरोचेस। नेक्स्ट हमने पढ़ा है रोडेंट्स, रोडेंट्स जो हैं ये खुराक को स्पॉइल करते हैं डैमेज करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। रोडेंट्स की थ्री टाइप्स हैं द माउस रूफ रैट जो कि कॉमनली फाउंड इन एवरीवेयर, इसके अलावा जो स्वेयर रैट है जिसे ब्राउन रैट कहते हैं ये अग्रेसिव होता है तो ये बिल्डिंग वगैरह को डैमेज करता है जो वायरिंग वगैरह वहाँ, तो इसके अलावा जो रोडेंट्स वगैरह हैं वो 3 से 5% सीरियल क्रॉप्स इन डेवलपिंग नेशन उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं तबाह कर देते हैं। दे कंज्यूम द फूड एंड इन्फेक्टेड विद देयर एक्सक्रीटा एंड हेयर्स, तो डिफरेंट टाइप के जो एंडेमिक ब्रेक्स वगैरह जो रैट्स की वजह से होते हैं उसमें नंबर 1 है प्लेग, नंबर 2 है टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड, इसके अलावा जो इनकी ड्रूपिंग्स होती हैं वो क्लॉस्ट्रिडियम बाचुलाइनम जो स्पीशीज होती हैं वो जो को फूड पॉइजनिंग कॉज करती हैं तो उनके लिए भी इफेक्टिव है क्योंकि वो कैरी कर लेते हैं उन्हें। इसके अलावा जो यूरिन वगैरह है वो जो रैट का यूरिन है जो फूड को कंटेमिनेट करता है तो उससे एपिडेमिक जॉन्डिस वगैरह, तो ये जो एपिडेमिक जॉन्डिस है ये येलो फीवर का रिजेंबल करता है,
और डिफरेंट टाइप्स की जो सिम्टम्स है वो क्रिएट करता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के एक्टो पैरासाइट जो होते हैं जो रैट्स की बॉडी पे मौजूद होते हैं, तो इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जो रोडेंट्स वगैरह हैं उनके लिए प्रॉपरली रोडेंटिसाइड यूज की जाए, जैसे कि वेरफेरिन है, तो ये इफेक्टिवली कंट्रोल करती है रोडेंट्स को। इसके अलावा ट्रैप्स वगैरह डिफरेंट टाइप्स के यूज होते हैं। इसके अलावा प्राइमाटॉक्स रोडेंट बेट्स वगैरह यूज हो रही हैं, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोपॉक्सर होता है, तो ये इफेक्टिवली अगेंस्ट रोडेंट्स। इसके अलावा जो अल्ट्रासोनिक मशीन है, जो कि ये इफेक्टिव मेथड है, तो इससे जो एक तो स्टरिलाइजेशन हो जाती है जो रैट्स वगैरह की, दूसरा जो उसके जो सेंसेस हैं वो गुम हो जाता है यानी सेंसलेस हो जाता है। इसके अलावा जो नॉन पॉइजनस मॉल्स है या रैट कैचिंग ग्लूज वगैरह, वो नंबर फिफ्थ है, तो ये भी यूज इफेक्टिवली यूज होता है। ये डेंजरस नहीं होता है, ना इसमें किसी किस्म का इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह होता है, ना इसकी किस्म की अडर होती है, तो ये इंसान और जानवर दोनों के लिए नुकसानदेह नहीं है। इसे हम इजीली हर जगह अवेलेबल एप्लीकेबल कर सकते हैं, इसे कार्डबोर्ड यानी गत्ता वगैरह या दूसरे जो चीजें हैं उस पर, या डायरेक्टली ऑन द अप्लाई ऑन द सरफेस। तो फिर इससे जो जब ये जानवर रोडेंट्स वगैरह इस पे पाँव रखेंगे तो वो चिपक जाएगा और साकन हो जाएंगे, यानी फर्दर मूवमेंट वगैरह नहीं कर सकेंगे। तो दीज ग्लोव आर इफेक्टिव इन ट्रैपिंग इंसेक्ट्स एंड लिजर्ड्स। तो इसे हम डिफरेंट अदर जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं या जो लिजर्ड्स वगैरह हैं उनके लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी किस्म का इस टॉपिक में कोई इशू होगा तो काइंडली आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टेक अस स्टे स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।